वीडियो में हम बर्तनों की क्षमता के बारे में जानेंगे। आइए देखें कि गैफी और उसकी माँ आज क्या कर रहे हैं। माँ, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर मुझे कुछ ठंडा पीना है। ये लो गैफी, पानी पी लो। ठीक है माँ। अरे ये क्या गैफी, तुमने पूरा पानी तो पिया ही नहीं। ये पानी बहुत गर्म लगता है माँ, पीने का मन ही नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए मटके का पानी लाई हूँ, तुम ये पी के देखो। ये पानी तो बहुत ठंडा है माँ, मजा आ गया। गैफी, क्या तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो 5 ग्लास पानी पीती थी। ऐसा क्यों माँ? अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए तुम्हें भी 5 ग्लास पीना चाहिए। ये 5 ग्लास पूरा करने के लिए तुम पानी से जुड़ा कुछ भी पी सकती हो, जैसे शरबत। ठीक है माँ, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैंने 5 ग्लास पानी पी लिया है? चलो सबसे पहले देखते हैं तुम्हारी स्कूल वाली बोतल में कितने ग्लास पानी आता है। 1 ग्लास पानी डालने से तुम्हारी बोतल आधी भरी है, इसका मतलब तुम्हारी बोतल की क्षमता 2 ग्लास पानी है। मतलब अगर इस बोतल का पूरा पानी पी लूं तो 2 ग्लास पानी पी जाऊंगी। हाँ, और इसके बाद तुम रोज घर आकर 1 ग्लास शरबत भी पी सकती हो। बच्चों, आपको क्या लगता है गैफी कुल कितने ग्लास पानी पी चुकी है? बिल्कुल सही, 3 ग्लास। अब बचे 2 ग्लास। तो मैं 1 ग्लास सुबह और 1 शाम को पी लूं तो आराम से 5 ग्लास पी सकती हूँ। बहुत अच्छे गैफी। बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब सोचें और घर में अपने बड़ों के साथ इन प्रश्नों पर चर्चा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने बर्तनों की क्षमता का अनुमान लगाना सीखा।